और भाई आपके अभी पास आप है, लोगों ने एक बंदा मारा है, पहले आप उसका तो कर लो डिफेंड। मैंने थोड़ी बदनाम किया आपको, हम तो डिफेंड, हम आपकी डिफेंड ही टूटी नहीं कर फूटी सकते नाकों उसको ने भाई, हमारी जिसने गलत बदनाम काम किया है किया हम तो उसको बोलते हैं भाई आपने गलत काम किया है। ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, अभी 4 दिन क्या बाद फिर कोई होगा और फिर, मर जाएगा, फिर क्या देना गलत काम हुआ है, फिर 4 दिन बाद कोई और मर जाएगा, फिर क्या देना, वो नहीं तो फिर कोई क्या डिफरेंस करें तो बताएं, नहीं। आप बताएं ना क्या करें, आप बताएं क्या करें, मैं लॉ चेंज करूँ ना, क्या ब्लास्फेमी लो लॉ चेंज हटा, करें, मतलब क्या बनाएं, क्या ब्लास्फेमी लॉ बनाएं, हटा, कैसे लो बनाएं। लो तो है कि नहीं कोई किसी को कत्ल ब्लास्फेमी करता लॉ है तो उसको हटाओ अरेस्ट ना, किया जाए, रूमर उसके खिलाफ लॉ, केस किया जाए, ये लो ही होता है। ब्लास्फेमी लॉ हटाओ, समझ में नहीं आ रही आपके बात। नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उर्दू में बताएं। तौहीने रिसालत पे जो लॉ बनाया, जो कानून बनाया, वो तो ये हटा जो दो ना। बंदा मरा है तोहेले इस हालत पे नहीं मरा जी, यहाँ नहीं ये उसी में मरा है। जी उस पे नहीं मरा, अच्छा किस ये तो पे उनकी मरा आपस की फैक्ट्री का कोई इंसिडेंट था आपस का, उन्होंने इसको रंग दे दिया बस, और कोई वजह नहीं थी। हाँ है? अच्छा तो अगर ये लॉ नहीं होता तो फिर वो रंग नहीं दे सकते नहीं थे ना उसको। देर यू गो, तो आपका तो फिर लॉ भी पकड़ा तो लोग है गलत ना, तरीके अगर से यूज लो कर रहे होता, हैं। अगर एग्जांपल लो लो इसके होता तो उनको अरेस्ट नहीं करते ना, फिर उनको तो अरेस्ट किया, जेलों में डाला हुआ सब कुछ जिन्होंने करा है किसको जेलों में डाला है? भाई, जिसने मारा 100 बंदे पकड़े हैं, 100 जेलों के अंदर हैं। आपने शायद न्यूज देखी नहीं ना उसके बाद भाई, नहीं तो जेल में डाल दिया तो उससे क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कसूरवार ये को सजा लास्ट बंदा है जो मिलेगी। मारा है? आपको क्या लग रहा है ये लास्ट बंदा है जो मारा गया है कहीं ने रिसालत पे? नहीं ये तो कोई दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि लास्ट बंदा है यहाँ पर मारा, उसके बाद कोई नहीं मरेगा। दुनिया में तो कोई मारा ऐसा नहीं, आदमी आके बता दे, आप बोल सकती हैं कि जी कनाडा में कोई नहीं मरेगा कहीं ने रिसालत पे तो कोई नहीं मरेगा, ये तो मैं भाई, गारंटी बता वजह सकती हूँ आपको। कुछ भी बन सकती है किसी भी बंदे के मरने की, हाँ वजह कुछ भी बन सकती है किसी भी बंदे नहीं, की, वजह कुछ भी ये नहीं बन कोई, सकती है नहीं कह सकता कि ना जी ना आज यूं गलत काम ना नहीं होगा, आज यूं नहीं होगा, आज फलाना नहीं होगा, धमाका नहीं होगा, ये देखिए दुनिया में हर कोई किसी ऐसा इंसान को नहीं है जो ये कह मारने ले। वाले को ना एक मोटिवेशन पूछा जाता है कि इसके पीछे उसका मोटिव क्या था। ठीक है, कनाडा ठीक में है आज मैडम, तक किसी का मोटिव ये नहीं रहा कि आपने जीसस को कुछ बोल दिया है तो हम आपको मार तो आप तो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकती ना, आप किसी के दिमाग में घुस के ये नहीं जान सकती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, मगर हम उनके एक्शन से तो पता चल जाता है ना हमको। तो पहले तो दिमाग में एक्शन क्या स्पीक चल रहा है, लाउडर आपको देन कैसे पता लगेगा वो वर्ड्स। क्या एक्शन करने वाला है। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मार रहा, ये मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ, वरना अगर यहाँ पे मार रहे होते ना तो आपको भी पता चल गया होता कि कितने मुसलमान मर गए होते हैं इस चीज पे, क्योंकि अरे आपकी नजर में मैडम, बहुत अरे कर रहे होते मैडम मैडम मैडम, हैं। आप तो बस वो कहती है ना कि बस वही बात हो गई कि हमारे घर में कुछ भी गंदे उसको अंडर कारपेट कर दो बस, नहीं हम तो खत्म, जो नहीं सामने वाले के सामने जो है उसको तो उछालो। कर रहे, आपकी समझ में आपने नहीं तो आ रही, अभी यहाँ पे वो, तो अभी आपने कोई भी वो मुसलमान बनाया हुआ क्यों, क्या गया, यहाँ जब वो गंध है नहीं तो मैं मान क्यों लूँ? यहाँ पे कोई ब्लास्फेमी के नाम पे नहीं मारा जा रहा, हाँ दूसरे नाम पे हाँ मारते हैं अपने किसी और को, दूसरों की तो प्रॉब्लम्स हो रोजाना रही कितने कत्ल, कितने कितनी किलिंग्स होती हैं कनाडा में, तो ही हालत पे बात तोहीन करो, रिसालत मुझे की ये बात नहीं बताओ हो रही ना, तुम्हें टॉपिक कितने ये थोड़ी सालों है, से, नहीं टॉपिक तो ये कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या है। भाई तुम इधर से उधर क्यों जंप कर रहे हो यार, एक तो कभी एक नहीं चीज पे समझ नहीं तो आज का टॉपिक यही है, लो, तोहीन रिसालत का मर टॉपिक ही नहीं है। आपने भी खुद ही बोला कि कनाडा में भी तो मर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा ये कनाडा में कितने लोगों ने मार दिया मुसलमानों को जीसस की तौहीन करने पे, बताइए। जी वैसे बहुत सारे मुसलमान मरते हैं, पाकिस्तानी मरते हैं, पाकिस्तानी ड्राइवर मर जाते हैं, कितने न्यूज़ें आती तौहीन हैं। रिसालत में कैसे मरे हैं? अब वो तौहीन जाहिर बात है, रिसालत में किसी अंग्रेज ने तो मार दिया अगर किसी मरे हैं। पाकिस्तानी को, वो कहता है कि जी मुसलमान है इसको मार दो, फिर मोटिव क्या है? मार मोटिव ये ना कि वो मुस्लिम को किसको मारना मारा है, गया अभी तक, किसको मोटिव ये हो मारा गया ना है फिर तो? मुस्लिम को मारना है। किसको मारा है अभी तक? आपने अभी तक एक मुझे किस्सा नहीं बताया, किसको मारा है अभी अरे तक, एक जी किस्सा बनाओ बताओ। आप पाकिस्तानी तो कितने ड्राइवर्स कनाडा में अभी तक मर चुके हैं, पता नहीं मुझे बताइए, मैंने तो नहीं सुना कभी आपको किसी पता ही कनाडा नहीं में है तो आप किसी रिसर्च से करें ना, मारा आप पहले होगा। सबर आप पढ़ें, आप करो निकालें, गूगल करें, सब चीजें करें। सबर करो, मुझे आप ये बताओ कनाडा में किसी गोरे ने किसी मुसलमान को जाके मारा है इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान है और उसने जीसस की तौहीन की है, इस पे मुझे बताओ, इधर उधर मत भागो। मैं करें फिर, अभी अभी गूगल करें, क्यों गूगल करूं? क्लेम आप कर रहे हो तो करें आप ना, दिखाओगे ना। मैं दिखा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गूगल करें आपके सामने आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप आप मुझे बोलेंगे नहीं बताओ आप ना गलत बोल कौन रहे है, हो, कौन से कहां पे मैं गूगल कुछ करूं, क्या नाम गूगल करूं, मैं बताओ आप। भाई लिख के करें पाकिस्तान, कुछ भी लिख के गूगल कर दें, नहीं कुछ भी क्या लिख के गूगल कर दूं, लो गूगल पे कुछ ऐसी कुछ भी लिख दूं,
लिखते हैं कि आपका कहना मुसलमान है को किसी आप ने इसको मारा नहीं बताओ। मारा कनाडा में, किसी अंग्रेज ने, किसी गोरे ने पाकिस्तानी को या मुसलमान को मारा नहीं मारा, किस बात पे मारा, रेसिज्म किसी के बात पे। पे मारा या मोटिव, सही से मोटिव को मारा, एक जिसको तुमने मोटिव कौन जीत डिसाइड की करेगा, कहानी मोटिव तो कोई नहीं। डिसाइड ही नहीं कर नहीं, सकता ना। वो तो लॉ डिसाइड करता है ना, बाद में जब केस होता है तो पता चलता है कि किस लिए हुआ तो यही था। तो बोल रहा हूँ, अभी आप बोल रही हैं कि पाकिस्तान में इस बंदे को मारा, अब केस होगा तो फिर इसका मोटिव डिसाइड किया जाएगा ना, उसने किस मोटिव पे मारा। क्या हाँ, उसका मोटिव सामने आ गया ना, तौहीन तो अभी रिसालत तो तो केस उसको पता चल रहा चला, है, बाद में पता चला ना, मगर आप तो तौहीन रिसालत अभी देती है तो केस जो चल रहा है मेरे उसका। लिए होती है। इट गिव्स यू परमिशन टू डू इट, दैट नहीं अभी केस चल रहा है, को केस अंडर कोर्ट है, तो लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते भाई। जब केस पूरा फाइनल होगा फिर हम डिसाइड करेंगे उसमें क्या पड़ रहा। आप ये ब्लास्फेमी का लॉ क्यों नहीं हटा रहे हो? हटा दो ना इसको, फिर कोई क्यों यूज ही हटा नहीं दें, क्यों करेगा। हटा दें तो आप चाहते हो कि कोई तौहीन है रिसालत के उसका गला काटो, भाई, कोई आपके मजहब को बुरा भला भूलेगा तो तो आप उसका क्या गला काटो। करेंगे? नहीं आप क्या करेंगी? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, बोलते रहो। मैं तो कुछ नहीं करूंगी, बोलते रहो। तो बस आपके क्यों मजहब में किधर, नहीं है ना, नहीं तो आपके मजहब में ये गला काटो। गला काटने का नहीं है। हम अपनी अपनी जैसे आपको कोई अभी आके चमाट मार दे, आप उसको क्या करेंगी? मैं चमाट मारूंगी, मैं उसका गला तो नहीं काटूंगी क्यों ना। मारेंगी, क्यों मारेंगी चमाट? आप तो नहीं बोल के खड़ी एक्चुअली मैं हुई मार नहीं मारूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, है। ताकि नहीं मैं क्यों पुलिस को मारेंगी उसको उसको, कंप्लेन अभी करा के आपने बोला उसका मैं गला मारूंगी लगाऊंगी। उसको, आपने कहा मैं उसको चमाट मारूंगी, क्यों मारेंगी आप चमाट नहीं, उसको? आई टेक दैट बैक, आई वुडंट, नहीं हाँ नहीं नहीं मारना चाहिए ना, क्योंकि इंसान की सेल्फ की एक रिस्पेक्ट होती है, जब वो हर्ट होती है तो इंसान फिर रिएक्ट करता है। देखिए आपसे बात ये हो रही है, आप बात कभी इधर ले जाते हो कभी उधर ले जाते हो। फिर क्या तौहीन करूं? रिसालत पे आप लोग लोगों के कत्ल कर रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं ये हम बताओ तो कि नहीं कर रहे क्या हैं। केरला में कौन तौहीन जीसस पे मुसलमानों को मार रहा है, पहली बात, ठीक है। तो जी लेकिन ये है कि गोरों ने मुसलमानों को मारा है, क्योंकि फिर मुसलमान आ क्यों रहे हैं यहाँ पे, फिर अपने मुसलमान मुल्कों में जाओ ना, आप आ क्यों रहे, आना भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर फिर क्रिश्चियन क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान में बाहर से? कौन आ रहे तो क्रिश्चियन, कौन मुझे बताओ क्रिश्चियन आया है बोलते जो हैं ना काफी क्रिश्चियन तो मशहूर हो ऑलरेडी गया है। हैं हमारे पाकिस्तान में, हाँ वो क्यों नहीं निकल के जा रहे ऑलरेडी हैं यहाँ से? कोई कनाडा से या यूएस से उठ के वापस नहीं जा रहा पाकिस्तान, कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? भाई तो क्रिश्चियन तो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, हमें किसी को वो बुलाने की तो जरूरत पहले ही से रह नहीं रहे है। हैं ना क्रिश्चियन, वो जो पहले से रह रहे हैं। मुझे ये हाँ बताओ वो खुश रह रहे हैं यहाँ पर, कौन से उठ के कोई क्रिश्चियन गया हो पाकिस्तान, मूव हो गया हो, एक नाम वो बता दो। क्यों आएगा, क्यों आएगा जी ये हाँ बताएं पहले। एग्जैक्टली, क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिश्चियन है उनको ही राइट्स मिल रहे हैं, तो आप उनको क्या दोगे? सारे बैठे हो ये और फॉर आते हो एग्जाम्पल, वीजा अच्छा लेने के लिए चलो बैठे हो, गोरों के मुल्क आने में बैठे हो, और यहाँ अच्छा पे सुनो बात बात करते हो सुनो, तुम गोरों हमको मार रहे अच्छा हैं, बात सुनो ना, बात सुनो मार देखो, रहे हैं। अगर यहाँ पर क्रिश्चियन को राइट नहीं होते हैं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी एहतजाज कर रही होती ना, कितनी परसेंट कम्युनिटी क्रिश्चियन यहाँ पर है? हाँ करती है एहतजाज, आप लोग कभी देखते हो? देखो जरा खोल के आंखें, अरे हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमें तो तुमसे ज्यादा पता होगा। मुझे तो नहीं लगता आपको कुछ भी पता है, आपको कुछ नहीं पता। जो अरे क्रिश्चियन लोगों पे जुल्म हो रहा है वो भी आपको नहीं दिखता, जो हिंदू औरतों को नहीं शादी ले जाते हैं उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं वो भी आपको नहीं दिख रहा है, जो औरतों पे जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में वो भी आपको नहीं दिख रहा है, नहीं हम आपको ये नहीं किए, ना 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 अपने सॉरी, लेकिन डैडी का घर दिखता है बस, मैंने तो आपको ये पहले भी आपकी यही बोला था कि अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान तो में बात ज्यादातर बुरे ही लोग हैं, और उसको बुरा तो सुनो, कहने में नहीं बहुत बड़ा हाथ है, ठीक नहीं है। बात तो सुनो, देख अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, हम तो कहते हैं भाई अगर किसी हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है तो ज्यादती है, उसके साथ नहीं होना चाहिए, किसी नहीं क्रिश्चियन के साथ हो आपने, अगर रहा किसी हिंदू ने आपका कुछ किया उसका गला काट दो। मुसलमान है। नहीं हम कि मुसलमान इस्लाम तो नहीं बोलता भाई, तौहीन रिसालत क्या है फिर? तो है नहीं, रिसालत ये है आप किसी के जज्बात को मजरूह करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन क्या आप होगा? अपने मजहब के अंदर रहें, आप नहीं, किसी के क्यों मजहब को छेड़े रहेगा, ही नहीं। क्यों रहे, जब एक किसी का बिलीव ही नहीं आपके मजहब पे तो आपकी जबरदस्ती में क्यों माने उसको, क्यों अच्छा जबरदस्ती एग्जाम्पल, क्यों है? नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जब कोई वो होलोकॉस्ट को पे क्यों फिर हंगामे होते हैं? हॉलोकॉस्ट पे कहाँ हंगामे हो रहे हैं, कहाँ नहीं हंगामे मतलब हो क्यों उसके ऊपर वो इतनी वो होती है कि नहीं ये चीज नहीं होगी, क्यों होती है फिर? रहे, क्या ये चीज नहीं होगी? हम तो बात करते हैं हॉलोकॉस्ट पे, क्या आप बोल रहे हैं, चंद जगहों पे लॉ है, कहाँ इतनी तो कहाँ है, कहाँ बाकी जगहों बोलते पे तो खुल लोग के, करते हैं, बात आप करते खुल हैं, के सब बोले करते आप, हैं। ना कोई नहीं खुल के बोलता जी, आप यहाँ पर अभी बोल रही हैं लेकिन खुल के कोई नहीं बोलता।
सब बोलते हैं, मगर मुझे ये बताओ ना, हॉलोकॉस्ट जो हो गया उसपे कौन सा जर्मनी वाले लोग जाकर अभी और मार रहे हैं? हाँ लेकिन बोलता तो कोई भी नहीं है ना उसके खिलाफ। मैंने कहा जी खुल के नहीं बोलते ना, लेकिन चुप है लेकिन बोलते ही नहीं उसके खिलाफ। उनको पता है कि मुझे कुछ आप एक बात बोलेंगे तो बताओ, खाली पे कितने, हंगामे आपकी हो एज क्या है? जाएंगे। आपकी एज क्या है मुझे बताइएगा जरा, एज क्या है मेरी आपकी? एज 26 है। 26 है। आप कितना पढ़े हुए हो? नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ आप पढ़े हुए नहीं हो और आप यहाँ पर जी। आके मुझसे इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो मतलब मैं आपसे गलत आर्ग्यू तो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी एक्चुअली मुझे अभी निकलना है, जस्ट बिकॉज आई एम लेट। आपके साथ ये बात चलती ही रहेगी, आप नेक्स्ट टाइम उस पे आना, फिर हम बात करेंगे आपसे आराम से, क्योंकि मेरा दिमाग 3 जगह पे लगा हुआ है। तो एनीवेज चलिए थैंक यू, बिल्कुल कोई नेक्स्ट मसला टाइम नहीं, कोई आपसे बात मसला करेंगे। नहीं। ठीक है, चलें। रेहान भाई क्या मिजाज है आपके, कैसे हाल चाल हैं, बात अरे करेंगे मुझसे? बड़े भैया आपके जैसे ही मिजाज हैं। अच्छा आप पाकिस्तान से हो भाई? आपको नहीं लग रहा? अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। आप ये बताओ, देखो सीरियस गुफ्तगू करनी है, मजाक करना है, दोनों कर लेंगे। जी हम तो दोनों चीजें करेंगे। मैं सीरियस करना चाह रहा हूँ। अच्छा सीरियस कर ले फिर। देखो आपसे मैं भी कुछ हो सकता है सीख लूं, आप मुझसे कुछ सीख लो, ये अग्री करते हो आप? बिल्कुल सीखना सिखाना तो लगा रहता देखो है आप आए हो, बात कर रहे हो, ठीक है, इट इज गुड, आप काम भी हो। यार ये बताओ, जब आप जी। असल में जब कंपेयर आप आए थे ना और बात कर रहे थे कि हर जगह मसले होते हैं, हर जगह जराइम होते हैं, यही बोल रहे थे ना आप, रेप हर जगह जी होते हैं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यहां तक मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि चाइना में भी जुर्म हो रहे हैं, सऊदी अरब में भी जुर्म हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जुर्म जब हर जगह होते हैं, लेकिन ये फिर जुर्म तो हर जगह होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका इंसाफ कहाँ ज्यादा फास्ट तरीके से मिलता है, बेहतर तरीके से। तो अब आप मुझे जी। बताओ, सीरियस होके ईमानदारी से, आपको क्या लगता है, कनाडा में ज्यादा अच्छा अदालती निजाम इंसाफ दिलाएगा अगर किसी लड़की के साथ ज्यादती हुई, या पाकिस्तान में? देखें इधर जो मौजू था ना, इधर मौजू इंसाफ की तेजी का नहीं था। इधर मौजू था कि पाकिस्तान में ज्यादा हरेसमेंट होती है औरतों के साथ और बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। इधर मौजू ये था। अगर मौजू ये मौजू ये नहीं रखनी था, मौजू ये था कि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज क्यों करती हैं, आप पाकिस्तान के पीछे ये क्यों तो घूम मैंने रही हैं। बोला था ना, ये आपने जो मौजू टॉपिक आपका रखा था, हुआ था एग्जैक्टली वो अलग आपका मौजू था ये नहीं था, लड़कियों का मौजू नहीं था, आप यहाँ पर ये मौजू लेकर आए थे, तो आप चेंज नहीं नहीं। करो अपना। वो तो आपने ये रखा था कि जी इस्लाम, वो आपने रखा था ना। मैंने आके ये पूछा था मैंने तो मौजू आपसे। सऊदी अरब पे रखा था कि सऊदी अरब इस्लाम चेंज कर रहा है, मेरा तो मौजू डिफरेंट था। आपने चेंज किया, आपका कि आप क्यों क्रिटिसाइज करती हो पाकिस्तान हाँ को, वो इस्लाम एज अ पाकिस्तानी मैंने, क्योंकि एज अ मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने इस नजरिए से पूछा। पर। आप तुम इधर उधर मत जाओ, अब गुलजार ने तुमसे उसी चीज से बात की आगे तुमने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो इधर उधर भागो। तुमसे बात की जबकि कराची की, तो तुम लेकर जाते हो इस्लामाबाद। हम लोग क्यों देखते हैं तुम्हारे मोमिनों की हरकतें? डोंट डू दैट। और जवाब दिया उसके, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे करने दो ना। मैं जवाब दे रहा हूँ उनको, तफसील से जवाब दे रहा हूँ ना मैं। तफसील का होगा ना, पूरी दास्तान नहीं सुननी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं तो आप जाओ ना फिर हाँ गुलजार साहब से मैं बात कर लेता हूँ करो करो, ना। हाँ आप अपने बच्चों को संभालो, मैं जब तक होकर आ जाओ बाहर से, तू हम मुझे फिर बता, कर मैं किसको संभालूं? समझ में आई ना, तू अपनी जाके लुली संभाल, तू जाके अपनी लुली संभाल, पहले मेरे को संभालने से पहले तू अपने आप को संभाल। 26 साल का तू बच्चा है अभी, तेरी पूरी एज नहीं हुई, तेरा पूरा हुआ नहीं है अभी, तो मुझे बता रही मैं क्या करूं नहीं करूं। तुम्हें तमीज राज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है तुम्हें तमीज राज नहीं आ रही है, तुम इनसे बात करो यहाँ पे, वरना यहाँ से घुस के ना आपका। हाँ भाई, तो आप हाँ जो हो बोलो। रेहान भाई, टॉपिक नहीं चेंज करो, मैंने इसलिए आपसे प्यार से बोला, हम सीख सकते हैं। देखो जब जहां इंसान होंगे ना वहां जराइम होंगे, बिल्कुल इसको तो डिफेंड नहीं कर सकते, राइट? बात ये होती थी तनकीद करने की कि इंसाफ जहां बेहतर मिलेगा वहीं लोग जाना भी चाहेंगे, ये भी बात मानते हो कि पाकिस्तान के लोग हाँ जाना बिल्कुल चाहेंगे, कहना मानते हो ना? जी मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मानता तो हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ना कि क्रिटिसाइज हम फिर इसलिए कर रहे हैं ना कि हम ये नहीं कह रहे कि जरायम कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि इंसाफ क्यों नहीं पाकिस्तान में उस तरह का जहाँ और काफिर मुल्कों में होता है। अब यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जाओगे जी बोलिए। पता है पाकिस्तान की अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं? हैरान हो जाओगे सुनकर।
मुझे पता है पता सर, मुझे पता है, कितने कितने लाखों हैं, लाखों केसेस हैं। लाखों नहीं है भाई रेहान भाई, लाखों नहीं है, इसी का तो रोना है। मैं भी यार पाकिस्तान से, और हम सब प्यार करते हैं, और आप भी प्यार करते होगे पाकिस्तान से, मैं ये नहीं कर रहा। 2 मिलियन से ज्यादा केसेस पड़े हैं यार, 2 मिलियन से ज्यादा। सोचो वो डिवोर्स के भी होंगे, लोग वेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां की अदालतें कुछ भी नहीं करती, ये आप मान जाओगे। वो बात सारी होगी सस्ता और अच्छा इंसाफ होगा ना। देखो जब मेरी थी ना यूएसए में, या पिछले 90 डेज मुझे मेरे हाथ में घर पे मेल आ गया था डिवोर्स नामा। पाकिस्तान में आप काटोगे, रिश्वत दोगे, तो हम बात करते हैं कि हमारे साथ उम्मीद करो। ताकि देखो अगर आप घर का कचरे को छुपाओगे, आप इसको कैसे सफाई करोगे। दूसरी एक मैं बात आगे भी सुनो, आगे सुनो, मैंने उसके साथ आप भी तभी से बात कर। अब एक बार बताओ पाकिस्तान का पता है कितना कर्जा हो गया 2021 में, आप हैरान हो जाओगे। तो $115 अरब कितना, $115 अरब। यस यू आर राइट, तकरीबन $116 मिलियन। और हम वैसे जो तारीफियों करते हैं, अभी जो जेम्स वेब जाने वाली है नेक्स्ट भी, वो ही $10 मिलियन की इन्होंने बनाई है सिर्फ एक टेलीस्कोप यार। तो इसलिए हम बात करते हैं कि काश हमारे भी मुल्क ऐसे तरक्की करें भाई, इसलिए पाकिस्तान से। अब एक और बात सुनो, अब एक बार बताओ, आप कहते हो कि यहाँ पे माली झूठ बोले बैठ के कि पाकिस्तान बड़ा आला कंट्री है। पाकिस्तान आला कंट्री बन सकता है अगर हम अपनी गलतियों को बताएं। आपको पता है पाकिस्तान का पासपोर्ट लास्ट 2 साल में कितने नंबर पे आया था? दुनिया का चौथा घटिया तरीन पासपोर्ट करार पाया, यानी टोटल जो सर्वे हुआ ना 127। हाँ, मुझे पता है, मैंने मैंने पढ़ा था वो। मैंने बात सब आपकी बात पता है, अब इस पे क्या बोल सकते।